नमस्कार सभी का हमारे चैनल में यानी कि संचेती ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पम्पम पोंचू बेबी 3 इयर्स की बच्ची का आप बता रही हूँ। इसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। ये अभी 2 फोल्डेड है, ये ऐसे 2 फोल्ड में है और ये 65 इंचेज है। ठीक है, ये 65 इंचेज हैं और आप 60 या 70 इंच से अपनी 3 साल की जो बेबी है उसके लिए पम्पम पोंचू बना सकते हैं। नेट ले सकते हैं आप यूज में, आप कोई भी हमारी जो चुन्नी होती है उसका यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे पम्पम पोंचू बना सकते हैं। तो इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये फोल्डेड हो गया है। अब यहाँ से देखिए फोल्डेड एरिया है, बिल्कुल ओपन नहीं है। और अब हमें लेंथ लेनी है इसकी। और इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को और जानने को मिलेगी। तो अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आप बेल का आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी आपको अच्छी वीडियो लगे उसको आप वॉच करें और उससे आप बहुत अच्छा सीख भी सकें। तो आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस पोंचू की हमने लेंथ ली है, ये हमारे पास 13 इंच है और ये 12 इंचेस तैयार रहेगा। ठीक है, आपको इससे कम या ज़्यादा लंबाई चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से भी देखो मैंने पहले इसको जितना हमारी ये लंबाई है, ये वाली देखो इस कॉर्नर की आपकी जितनी लंबाई है जैसे लगभग 13 इंच बराबर है, तो हम 13 इंच की इस पे बराबर में ऐसे मार्किंग करेंगे। देखो ये 13 हो गया वहां से, ये 13 यहां से हो गया है और ये 13 यहां से और ये 13 यहां से। और अब आप इसको ऐसे गोल राउंड में मिला लो। ठीक है, ये आपका गोल राउंड हो गया, शायद आपको दिखता होगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। आपको 13 ऐसे आपको 13 की मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहां से नेक लाइन बनाते हैं। नेक के लिए देखो 2.5 इंच यहां से और यहां पे भी 2.5 इंच, ये मैंने 2.5 इंच का नेक लाइन यहां पे बना लिया है। ठीक है, अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसको कटिंग कर लिया है, मैंने यहाँ से 2.5 इंच नेक कटिंग किया है क्योंकि उसका जो नेक है जिसकी गुड़िया की मैं बना रही हूँ उसका नेक पतला है। आप इसमें 2 इंच ले सकते हैं, 2 इंच तक आप इसमें ले सकते हैं। तो ये हमारा देखो कटिंग हो गया। अब ये जो कपड़ा है इसमें आप नीचे वाली जो डबल एक लेयर लगती है वो भी आप इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं नीचे अस्तर लगा करके। मैं इसको अभी सिंगल बना रही हूँ, फिर आपको मैं डबल में बताऊंगी। तो ये हमारी फर्स्ट है और ये सिंगल है। अब देखो जैसे हमने नेक कटिंग कर लिया है अब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और अब हम इसको और खोलेंगे तो ये टोटल ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले ही नेक वाला कटिंग करना है। तो इसके लिए देखिए मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, बहुत आसानी से हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं इसकी। अब देखो आपको नेक की पट्टी ऐसे राउंड में कटिंग करना है जिसमें आपको कोई जॉइंट ना देना पड़े। तो ये देखो मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और ये जो हमने नेक लाइन पट्टी निकाली है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और इसको आप ऐसे बराबर में ऐसे बिल्कुल इसके पास पास में ही हमको कटिंग करना है। ठीक है, और ये हमारा राउंड यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब मैं इसको आपको कटिंग कर देती हूँ, जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आप इसमें एक्स्ट्रा ले लो। जैसे आप 1 इंच की लेयर निकालना चाहते हो ये, या फिर 1.25 इंच की लेयर निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल लो। ये हो गया है, अब आपको इसको ऐसे डबल करके भी आप इसको निकाल सकती हो। तो ये वाली आपकी जो लेयर है नेक लाइन वो ऐसे बहुत आसानी से निकल जाती है। तो ये मैंने नेक लाइन की देखो जैसे गोल ही ये वाली गोल लेयर हमने निकाल ली है। अब हम इसको इस पे स्टिच कर लेते हैं। अब ये देखो ये हमारा इस पे अच्छे से सेट हो रहा है, ऑन साइड में लगाएंगे, ऑफ साइड में फोल्ड कर देंगे। गोल राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है, जैसे हमने कटिंग की है वैसे ही हमने इसको स्टिचिंग कर लेना है और फिर आपको इसको सीधा अंदर फोल्ड कर देना है।
ये नेक लाइन हो गई है। अब हम इस पे कट लगाएंगे कैंची से, ये ऐसे कट लगा देने हैं और इसको आपको ऐसे अंदर फोल्ड कर देना है, तो ये नेक तैयार हो जाएगा। ऊपर की पट्टी को ऐसे फोल्ड करके आपको सीधा स्टिच कर लेना है, कलर मैचिंग का लगाएं पट्टी के अंदर, और अगर नहीं है तो आप जो हमारा ये पोंचो है इसी नेट की आप पट्टी कटिंग करके अटैच कर लें। तो ये हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है नेक राउंड में, और ये देखो ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा हो गया है। ओके, अब हम इसमें नीचे और वो लगाते हैं, लेस लगाते हैं जो नीचे की लाइन पे। लेस के लिए देखो हम ऑन साइड में ऐसे इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ये जो हमारी लेस है इसको हम ऐसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। आप इसमें अपनी मन पसंद की लेस यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे। तो ये इसको आप हल्का सा ऐसे अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करते जाओ और अपनी लेस को स्टिच कर दो। बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की लेस आप इसमें यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी ड्रेसों पे आप इसको बना सकते हो पम्पम पोचों को, और आजकल बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी बन जाता है, पहनावा बहुत सुंदर लगता है। तो ये हमारी लेस हमने इस पर स्टिच कर दी है और ये जो पोचा है वो तैयार है। तो आपको ये सिंपल पोचा कैसे लगा, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसको हमने बहुत इजी स्टेप से आपको बताया है, इसमें मैं आपको बहुत सारी और डिज़ाइनें भी पम्पम पोचों में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उनको देखने के लिए आप इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।